मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज आपको हम जूनियर के मैथ्स में बेसिक मैथ अलजेब्रा का पांचवा पार्ट बताने चल रहे हैं। ठीक है, अलजेब्रा का पांचवा पार्ट जो बेसिक मैथ क्लास सिक्स सेवन एट के लिए है, जिसमें से आज हम आपको कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं। वह क्वेश्चन आपको देखेंगे, क्वेश्चन एक आपको हम एक दे रहे हैं, वह क्वेश्चन आपका है एक सारणी दे रहे हैं, टेबल सारणी है, उस टेबल सारणी से जो है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन, एंड फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ऑफ द इक्वेशन, टू एम माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन, टू एम माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन, ये जो है आपको एक इक्वेशन दिया गया है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टू एम माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन। अब इसमें जो है सारणी यहाँ पर बना करके हम लोगों को दे रहा है, ये सारणी है, इस सारणी में एक इक्वेशन दिया गया है m और 2m माइनस फाइव, इक्वेशन हम लोगों को यही दिया हुआ है 2m माइनस फाइव। अब यहाँ से सीरियल नंबर से m की वैल्यू दे रहा है, m की वैल्यू जीरो है, फिर m की वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव इस तरह से जो है सिक्स तक दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये जो है निम्नलिखित जो है मान दिए गए हैं, इस मान से टू एम माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन में वैल्यू रख करके इस सारणी को कंप्लीट करना है। तो आप लोग सारणी को ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उसे आप देख लीजिए, फिर हम सॉल्व करके जो है उस सारणी के वैल्यूज को बता रहे हैं कि उसके मान कितने निकलेंगे। पहले आप लोग ध्यान से सारणी को देख लीजिए, क्या सारणी आप लोगों को स्पष्ट रूप से वीडियो में दिख रही है या नहीं। हाँ, तो देखिए आप लोग सारणी देख चुके। अब इसके बाद हम आपको सबसे पहले एक इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फिर इस सारणी में वैल्यूज को रख करके उसके मान को निकालते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को एक इक्वेशन दिया गया है 2m माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन, 2m माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन, यह इक्वेशन दिया गया है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखते हैं इस इक्वेशन की में, इस इक्वेशन में m की वैल्यू कितना आती है। 2m माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन है, तो हम यहाँ से 2m इक्वल टू माइनस फाइव को ट्रांसफर कर देंगे, उसका पक्षांतर कर देंगे किसकी तरफ, माइनस वन की तरफ। माइनस वन पहले से दिया हुआ है, माइनस फाइव को ट्रांसफर कर रहे हैं नेक्स्ट नेक्स्ट साइड में, अगले पक्ष में, तो वहाँ माइनस फाइव था, इस साइड में आने के बाद प्लस फाइव बनेगा, तो टू एम इक्वल टू हो गया फोर, टू एम इक्वल टू फोर, तो m की वैल्यू आएगी फोर अपॉन टू इक्वल टू टू, एम की वैल्यू कितना आ गई, दो आ गई। ठीक है, यहाँ से हम लोगों को m की वैल्यू दो मिल गई, आपको दिख रहा होगा वीडियो में m का मान दो,
अब चलिए इसी तरह से हम लोग यहां मान रख करके m की वैल्यू यहां 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीरियल नंबर से है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रख करके सारणी को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 2m-5 इसमें m की वैल्यू जो है हम लोगों को 0 रख देना है। तो 2 × 0 आपको बताए हैं वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बिटवीन में यानी उनके बीच में जब कोई साइन नहीं होता है, चिन्ह नहीं होता है, तो उसके बीच में जो है मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह माना जाता है। कौन सा चिन्ह मानते हैं? गुणे का चिन्ह मानते हैं। तो चलिए देखते हैं 2m-5 m की वैल्यू 0 यानी 2 × 0 कितना हो गया? 0 हो जाएगा। 2 × 0 तो 0 हो गया, 0 − 5 तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? -5 मिलेगा। फिर अगले सारणी में रखते हैं m की वैल्यू 1 रखते हैं, 2 × 1 तो कितना मिलेगा? 2 × 2, 2 − 5, 2 − 5 यानी 2 में से 5 को अब सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 5 नीचे 2 को निकालेंगे 5 में से, -3 आ जाएगा। फिर 2 रखते हैं, 2 × 4, 2 × 4 m की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 × 2, 2 × 4 4 − 5 तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। फिर अगला मान निकालते हैं, 3 रखते हैं, 3 × 6, 6 में से 5 निकालेंगे, 1 आएगा। कैसे आप लोगों को दिख रहा होगा आसानी से, 2m-5 दिया हुआ है, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, 1 आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, 2m-5 यहाँ हम लोग जब सीरियल से वैल्यू रखेंगे 2 × 0 − 5 यानी 0 − 5 = −5 हो गया। फिर दूसरा मान 1 रखेंगे, 2 × 1 − 5 2 × 2 − 5 यानी 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो −3 यहाँ से मिल गया। फिर अगला मान रखते हैं 3, 2 × 3 − 5 2 × 3 = 6, 6 − 5 दो वाली वैल्यू नहीं रखे, जब दो वाली रखेंगे 2 × 2 = 4 हो जाएगी, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो −1 आ जाएगा। इस तरह से हम यहाँ पर m की वैल्यू यानी 2 × 2 m के स्थान पर यह मान सीरियल से रखते चल रहे हैं तो यह मान हमको मिलता चला जा रहा है। 4 × 8, 8 में से 5 निकालेंगे यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 5 × 10, 10 में से 5 निकालेंगे 5 आ जाएगा। अगर 6 को रख देते हैं, 6 × 12, 12 में से 5 निकालेंगे 7 आ जाएगा। यह है आपकी सारणी जो है कंप्लीट हुई। एक इक्वेशन दिया गया था, इस इक्वेशन को सॉल्व करके m की वैल्यू निकालना था, m की वैल्यू 2 मिल गई और सारणी को जब टेबल को कंप्लीट किए तो हमारा टेबल यह कंप्लीट हुआ। जब m बराबर 0 दिया होगा तो इस इक्वेशन में 0 रख करके निकालेंगे तो यह वैल्यू मिलेगी, 1 रख करके निकालेंगे तो यह होगा। इस तरह से जो है सीरियल नंबर से वैल्यूज को रखते गए हैं और उसके मान को प्राप्त करते गए हैं। तो ठीक है, इसे आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लें और फिर अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के रूप में खुद से आपको करने के लिए कर दे रहे हैं, डू योर सेल्फ। जो क्वेश्चन अभी आपको हम सारणी वाला बताए हैं उसी से आधारित जो है एक आपको हम होमवर्क में प्रश्न दे रहे हैं। दिया हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ फाइंड द
सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू सेवन, ये आपका इक्वेशन है और सारणी आपको हम दे रहे हैं। इस सारणी को, इस टेबल को कंप्लीट करना है जहां से x की वैल्यू और x माइनस थ्री की वैल्यूज को फाइंड करना है, ज्ञात करना है। x की वैल्यू आपको मिल रही है 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है सीरियल नंबर से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालना है और इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो यह आपका एक होमवर्क में प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद जो है अगले क्वेश्चन को हम फिर बता रहे हैं, नोट कर लें इसे। हाँ तो प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन आपका है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्या करना है फाइंड द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बताना है। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको हम दे रहे हैं फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन भी आपको खोजने की कहीं से जरूरत नहीं, वो हमारे पास है। तो हम इसी से जो है आपको क्वेश्चन कुछ बता दे रहे हैं। तो फॉलोइंग इक्वेशन फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट, फ्रॉम द वैल्यूज गिवन इन द ब्रैकेट्स देखिए ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज आपको कुछ मान दिए गए हैं, उन मानों को जो है इक्वेशन में, इक्वेशन भी आपको एक दिया जा रहा है, उस इक्वेशन में, उस समीकरण में उन मानों को क्रमशः रख करके आप बताएंगे। जैसे आप कहते हैं ना, एक सेटिस्फाई करना है कि कौन सा वैल्यूज इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, यानी कौन सा मान इस समीकरण का हल है, यही हम लोगों को पता करना है। तो अब इसमें इक्वेशन आपको दिया जा रहा है 5 मल्टीप्लाई यानी 5 ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 है। अब यहीं पर सामने आप लोगों को जो है ब्रैकेट में कुछ वैल्यूज दिए गए हैं, कुछ मान दिए जा रहे हैं, x इज इक्वल टू 0, -3, -3, 1, 2, 1, 2 यह मान दिया गया है। इस मान को क्रमशः इस समीकरण में रख करके, इस इक्वेशन में रख करके हम बताएंगे कि कौन सा मान इसमें, जो ब्रैकेट में दिया गया है, इसमें का कौन सा मान इस समीकरण का हल बन रहा है। तो चलिए रखते हैं, हल निकालते हैं आपके समीकरण का, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व आपका इक्वेशन है 5x + 2 = 15। सबसे पहले इसमें पुट दी वैल्यूज, पुट दी वैल्यू x इज इक्वल टू 0, 0 को रखते हैं, 5 × 0 + 2 = 15, 5 × 0 में 2 को ऐड करेंगे 2 आएगा = 15,
इज नॉट इक्वल टू 15, या 10 जो है 15 के बराबर नहीं है, तो इसलिए यह x बराबर 0 मान जो दिया जा रहा है इस समीकरण को नॉट सेटिस्फाई, संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जीरो, इट इज नॉट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का जो है, इस समीकरण का यह हल नहीं है। इसी तरह से -3 को रखेंगे, 1 को रखेंगे, फिर 2 को रखेंगे, आप लोग सीरियस हो इसको रखते चलेंगे। हम जो है पहला मान रखे, लास्ट वाला भी आपको रख करके दिखा दे रहे हैं कि क्या इसमें से कौन सा होगा। तो हम जो है लास्ट वाला मान रख दे रहे हैं, तो लास्ट वाले को भी रख करके दिखा दे रहे हैं, या चलिए लास्ट नहीं -3 को रखते हैं, -3 को सीरियस से रख करके इसमें एक में एक का पूरा दिखा दे रहे हैं। 5x + 2 = 15, 5 दूसरा मान इसमें जो है कितना रखेंगे, पुट x = -3, -3 + 2 = 15, 5 यहाँ मिलेगा कितना, मल्टीप्लाई -1, -3 + 2 - 1 हो जाएगा, -1 = 15, 5 × 5 यानी -5 इज नॉट इक्वल टू 15, यानी यह भी जो है -3 भी इसका जो है इक्वेशन का सलूशन नहीं है, फिर अगला मान रखते हैं, दूसरा रख देते हैं कितना, 1, x = n, 1, पुट दी वैल्यू x = 1, चलिए रख दीजिए इसको भी, 5 × (1 - 2) बराबर 15 है, तो 5 × (2 - 1) या 1 × 2 कितना हो जाएगा, 3 बराबर 15, 5 × 3 = 15, यानी 15 = 15, यह इस इक्वेशन का सलूशन है। कौन, x = 1, x = 1 रखा गया तो उसका सलूशन निकला। अगला मान रख देते हैं x = -3, कितना, 2, x = 2 भी रख करके आपको दिखा दे रहे हैं, 5x + 2 = 15 आपका इक्वेशन है, तो 5 × 2 + 2 = 15, 5 × 2 + 2 = 4 = 15, 5 × 4 = 20 = 15, यहाँ 15 = 15 आया। कौन सा मान रखने पर, x = 1 रखने पर, x = 1 रखने पर इस समीकरण का हल निकला है। और जो है तीन मान यानी 0, -3 और 2 यह रखने पर जो है इस समीकरण का हल नहीं है। तो एक ही आपका इस समीकरण का हल मिल रहा है, कौन सा मान रखने पर, x = जब हम लोग 1 रखेंगे, x का मान 1 रखेंगे, तो आपको इस समीकरण का हल मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर कहीं भी आपको इस तरह का प्रश्न मिलता है तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए सीरियल वाइज से बताए हैं, एक यहाँ बताए थे, एक यहाँ बताए हैं, और एक के लिए जगह नहीं थी तो वहाँ लास्ट में बता दिए हैं, आपको वीडियोज में दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए और नोट कर ले। हाँ तो प्यारे बच्चों, मौसम कुछ ठीक न होने की वजह से जो है ब्लैक बोर्ड पर भी पूरा जो है स्पष्ट दिख नहीं रहा है। अब इसके बाद हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, तो इतना आप लोग नोट कर सकते हैं और नोट कर लें। मौसम जो है कुछ बादल छा गया है और कमरे में अंधेरा हो गया है, तो ठीक है, नोट कर लीजिए इतना वीडियो, फिर उसके बाद आपको बताएंगे। धन्यवाद।